काशी के महान संत परम पूज्य 1008 श्री श्री हरिहर आश्रम 80 घाट वाराणसी में 27 दिसंबर 2023 को 1008 श्री श्री रवि बाबा 8 दिवसीय पुण्यतिथि महोत्सव आयोजित है। इस उपलक्ष्य पर 27 दिसंबर को 7 दिवसीय भागवत कथा और भंडारा का आयोजन किया जाना है। भागवत कथा 27 दिसंबर से दोपहर के 3 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक नियमित चलेगी। अंतर्राष्ट्रीय कथा वाचिका साध्वी प्रिया किशोरी वृंदावन भागवत कथा का नियमित वाचन करेंगी। 2 जनवरी को भागवत कथा का समापन होगा। 3 जनवरी को प्रातः 8 बजे पूर्ण आहुति हवन पूजन और 12 बजे भंडारा होगा। इस पूरे 8 दिनों तक बड़े बड़े संतों और महात्माओं का, बड़े बड़े कथाकार और देश की बाहर से भी भक्तों का आगमन होगा। महत्व और फलदायी होता है, बहुत फलदायी होता है। पाप मुक्त होता है, मरने का बाद मुक्ति होता है, बहुत कुछ फायदा है। जो टेंशन होता है वो भी दूर होता है। हर टाइम तो सबका टेंशन है, किसी का भगवान को पास बैठने का, भगवान को बुलाने का, पूजो करने का किसी का टाइम नहीं, सब अपना अपना काम में व्यस्त है। तो हम बोल रहे हैं कि भगवान को जगाइए, सनातन धर्म को जगाइए, इससे बहुत अच्छा है। सभी भगवान की कृपा से, किशोरी जी की और माता जी की कृपा से इतनी भव्य यात्रा निकली है। हम तो यही कहेंगे सभी इसमें शामिल होइए और खूब भगवत कथा सप्ताह का ज्ञान लीजिए और आश्रम में प्रसाद भंडारा का भी आयोजन है, सभी आइए, यही हम कहेंगे। 1108 रवि बाबा जी के पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में उनका पुण्यतिथि मनाया जा रहा है और उसी उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत कथा आज 27 दिसंबर से आरंभ हो रहा है दो तक और 3 को भंडारा मनाया जा रहा है। और अभी तो कलश यात्रा निकल रही है, बड़ा ही शोभा, सभी काशीवासी भक्त सभी साथ में हैं और मैं प्रिया किशोरी के वृंदावन से और आप सभी से निवेदन करूँगी कि आप सभी लोग कथा के समय पर आइएगा, क्योंकि कथा है 3 बजे से 6 बजे तक। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी आइए। किशोरी जी, वर्तमान में घर घर में क्लह है, झगड़ा है, द्वेष है, कितना महत्व बढ़ जाता है श्रीमद् भागवत कथा का घर में आयोजन करवाने के प्रति? देखिए, कहते हैं ना, देखिए भगवान तो है, अगर भगवान नहीं होते तो हम लोग की जो सांसें चल रही है वो भी नहीं होती। तो मतलब भगवान तो है ही, भगवान अगर नहीं होते तो कुछ भी संभव नहीं है ना। और धर्म, अगर हम सभी लोग धर्म लेकर नहीं चले तो हम लोग के साथ पता नहीं क्या होगा। हम लोग को लगता है कि धर्म लेकर चलना चाहिए, कहीं ना कहीं भागवत कथा, कहते हैं ना कि जो भारतवासी है बहुत ही भाग्यवान है। क्यों? फिर कहते हैं देवताओं को भी ये भागवत कथा सुनने का मौका नहीं मिलता, तो हम सभी तो बहुत ही भाग्यशाली है कि हम सबको मौका मिलता है भागवत कथा सुनने का। क्या कहना चाहेंगी इस आयोजन को लेकर? जी, आयोजन के जो हरिहर बाबा आश्रम के माता जी हैं, दीपा माता जी, उन्हीं की तरफ से ये व्यवस्था है और आश्रम में आज से कथा चलेगी 7 दिन लगातार और 3 को और कलश यात्रा निकली है। काशी के सभी भक्तगण हमारे साथ शामिल हैं, तो यही बोलना चाहेंगे, हर हर महादेव।